दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल मार्केटिंग का भी ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस डिजिटल दुनिया के चलते बहुत बार हमारा मन निराश हो जाता है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है और चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी मुश्किल भी होती है, जिससे कि हम अपनी बात को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और अगर शेयर करते हैं तो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर चलाने नहीं आता, जिससे कि हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ इंसान समझते हैं और हमारा मन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने लोगों की इस मुश्किलों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, लोगों के दिल के दर्द को समझा। उन्होंने अपने लाइफ में एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे कि हजारों ने बल्कि लाखों लोगों की मुश्किलें सॉल्व हुई। और आज लाखों लोग सिर्फ उनके वजह से आज के इस डिजिटल दुनिया को समझ पाते हैं, इंटरनेट को अच्छे से समझ पाते हैं और चला पाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या कैसे चैनल की ओनर एकता जी के बारे में, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा हिंदी में लोगों को डिजिटल के बारे में सिखाया, जिससे कि आज लाखों लोग उनके वीडियो को देखकर हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और यहाँ तक कि उनके वीडियो से टिप्स लेकर आज अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपने नाम का ब्रांड भी बना लिए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों शुरू से एकता जी के यूट्यूब स्टोरी के बारे में। एकता का जन्म दिल्ली के एक मिडिल परिवार फैमिली में हुआ था, जिनका पूरा नाम एकता श्याम है, जिन्हें बचपन से ही कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद था। और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंडल स्कूल से की और साथ ही साथ उन्होंने मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी किया। डिग्री कम्प्लीट होने के बाद 5 साल के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, जो कि टाटा ग्रुप में जॉब किया करते थे। फिर उन्होंने फ्रांस से MBA किया। MBA कम्प्लीट होने के बाद सिंगापुर में शिफ्ट हो गए, जो कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक में काम किया करते थे। और समय के साथ साथ वो अपने घर से बहुत ही दूर होती जा रही थी, जिस वजह से दूर देश में रहकर उनको घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी और बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, जिस वजह से वो अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती थी। लेकिन उनके मम्मी पापा को मोबाइल फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण उनकी बात नहीं हो पाती थी, जिस वजह से एकता बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाया करती थी और ये बात उनको बहुत ही बुरी लगती थी। क्योंकि जहाँ एकता रहा करती थी वहाँ टैक्सी, ट्रेन, मूवी, खाने से लेकर पीने तक सब के सब चीज़ें ऑनलाइन बुक किए जाते थे और यहाँ मम्मी पापा को फ़ोन भी यूज़ करने नहीं आता था। और एकता ने अपने मन में ये बात सोची कि जब मेरे घर में मोबाइल फ़ोन रहते हुए मम्मी पापा को इंग्लिश आते हुए वो SMS और फ़ोन जैसे आसान चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो उन लोगों के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके घर में मोबाइल फ़ोन भी नहीं है या तो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। और इसी सब चलते दिसंबर 2012 में एकता ने एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने पाया कि इंडिया में 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से कि सिर्फ 120 मिलियन लोग ही इंटरनेट से जुड़े हैं, जो कि यह आंकड़ा बहुत ही कम है। और उन्होंने फ्यूचर के बारे में रिसर्च किया तो देखा कि आने वाले समय में इंटरनेट का इस्तेमाल 300 से 400 मिलियन लोग करने वाले हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बहुत ही आसान भाषा हिंदी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सिखाना शुरू कर दिया, जो कि एकता एक ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट थी और लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया करती थी, लेकिन ये सब काम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में किया करती थी। और उनकी इंग्लिश हिंदी से थोड़ी अच्छी थी, जिस वजह से उनको शुरुआती दिनों में वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। और उन्होंने अपनी इस मुश्किलों से हार नहीं माना और अपने हिंदी को इम्प्रूव किया, जिस वजह से हिंदी में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वीडियो बनाना उनके लिए कोई छोटी मोटी टास्क नहीं थी, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए करीब 30 से 40 घंटे लग जाते थे और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और शुरुआती दिनों में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलते थे, जिस वजह से उन्होंने यूट्यूब छोड़ देने की सोचा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको ईमेल करके, कमेंट करके और फ़ोन करके बोला कि मैम, मैं आपके वीडियो को देखकर इंटरनेट का कीड़ा बन गया हूँ, मैम मैं जब ड्यूटी से घर पे जाता हूँ तो मैं और मेरा पूरा परिवार साथ बैठ के आपके वीडियो को देखता है, मैम मैं आपसे इंस्पायर होकर चैनल शुरू किया हूँ, आज मैं आपके वजह से अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट ईमेल पढ़कर एकता को बहुत खुशी होती थी, जिस वजह से वो आज भी बहुत नॉलेजेबल वीडियो लगातार बनाती जा रही हैं और उन्हें लोगों की दुआएं खूब मिलती थी, और जो कि आज एकता इंडिया की जानी मानी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।